खबर है उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर से। आपको बताते चले, गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ शनिवार यानी आज सुबह गोपाल मंदिर मोदीपुर में दर्शन और पूजन करने पहुंचे। जी आपको बता दें, इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी ने मोदीपुर गुरुद्वारा में माता टेकर से समाज से समर्थन भी मांगा। वहीं सीएम योगी शनिवार सुबह यानी आज मोदीपुर गुरुद्वारा के समक्ष आयोजित मतदाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि उन्हें इस बात की गौरवान्वित होती है कि यहां के लोग उनके हर चुनाव में सदा स्फूर्त पूरे उमंग से जुड़ रहे हैं। वहीं पूर्व के चुनाव में सभा के माध्यम से प्रत्यक्ष संवाद होता था, पर बदले हालात में मुझे पूरे प्रदेश में सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जाना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें, उनका कहना है कि और इसी कारण गोरखपुर ने पहले ही आप सबने पूरी जिम्मेदारी को संभाल ली है। पंजाबी समाज का यह उत्साह खुद ही संतुष्ट बयान कर दे रहा है। वहीं आपको बताते चले, सीएम ने सभी लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने को सीख दिया है। कहा है कि मताधिकार आपका संविधान प्रदत्त अधिकार है और भोजन करने में विलंब हो सकता है, लेकिन मताधिकार के प्रयोग में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। मुझे आपको बताते चलिए, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अधिकाधिक मतदान करते हुए भाजपा के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे। सिख समाज के प्रति अपनी श्रद्धा को दर्शाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर के गुरुद्वारों में उनका आना जाना दशकों से बना हुआ है। वहीं लखनऊ में रहने के दौरान और किसी न किसी गुरुद्वारे में जरूर जाते हैं। उन्होंने कहा कि सिख समाज की गुरु परंपरा के गौरव को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वहीं आपको बता दें, इस समाज ने भी एक परिस्थितियों में देश को बचाया है, ऐसा सीएम योगी ने कहा। वहीं आपको बता दें, सीएम योगी ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व और चार साहिब जादों की याद में लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रमों का उल्लेख किया। वहीं साथ ही बताया कि सिख समाज की परंपराओं को सम्मान देने की जो शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, इसका परिणाम है कि चार साहिबजादों के बलिदान दिवस को पूरे देश में बल दिवस कि चार साहिबजादों के बलिदान दिवस को पूरे देश में बाल दिवस घोषित किया गया है। वहीं देश व धर्म की रक्षा में सिख गुरुओं का बलिदान प्रेरणा स्रोत बना रहे हैं। वहीं देश व धर्म की रक्षा में सिख गुरुओं का बलिदान प्रेरणा स्रोत बना रहे हैं। इसके लिए कई कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बाहर क्या धारणा थी, इसे आप भी जानते हैं। यहाँ के लोग के दृष्टि से देख जाते हैं, युवा हतोत्साहित होता है कि भाजपा की सरकार ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में एक लंबी एक्सरसाइज के बाद प्रदेश की नकारात्मक छवि को 5 सालों में बदल दिया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहें।